नमस्कार किसान भाइयों, मेरे साथियों अतुल कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों मेरे हाथ में जो है आप यहाँ पर रैबिट देख पा रहे हैं। अभी हम जो है रैबिट फार्मिंग के बारे में पूरे डेप में बात करेंगे कि इसकी फार्मिंग यदि कोई करना चाहता है तो किस तरह से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं, अभी ये काफ़ी छोटे छोटे हैं, इसको भी आप देखिए। भाई है वो कर रहे हैं, वो जो पार्ट टाइम के रूप में अपने कॉलेज के साथ साथ इसकी फार्मिंग कर रहे हैं और 2 साल हो गया उसको करते हुए। तो यह किस तरह से इतना आगे बढ़े हैं इसमें और किस तरह से इसमें काम कर रहे हैं उसके बारे में हम समझते हुए चलेंगे। और अभी आप इनका स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जो कि काफ़ी लो कॉस्ट में बना हुआ है, तो इसको कम से कम खर्च में किस तरह से किया जा सकता है या फिर करना चाहते हैं, तो यह बिज़नेस किस तरह से है रैबिट फार्मिंग का, उसके बारे में हम पूरी जानकारी अभी लेने वाले हैं। यहाँ पर आप अलग अलग तरह के काफ़ी सुंदर सुंदर जो है वह अलग अलग ब्रीडों के रैबिट देख पा रहे हैं, तो इनके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे भाई जो है वो सामने फार्मर्स को अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो गाइस, आई एम निरंजन, माय फॉर्म नेम इज देवांगन पेट्स फॉर्म। मैं बिलोंग करता हूँ चर्रा विलेज, तहसील है मेरा कुरुद और डिस्ट्रिक्ट धमतरी छत्तीसगढ़। और ये मैं फॉर्म जो है वो काफ़ी समय हो गया मेरा, लगभग 2 से 2.5 साल हो गया जो मैं चला रहा हूँ। और ये अपना पढ़ाई के साथ साथ मैं ये अपना पार्ट टाइम अपना चला रहा हूँ जो फॉर्म जो है, और काफ़ी अच्छा अर्निंग कर रहा हूँ जी। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत किस तरह से हुई है, इसकी आइडिया आपको कैसे लगा उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, शुरुआत की बात करें हम तो ऐसा मैं पेट के लिए लाया था हमारे सिटी से, रायपुर सिटी से हमने 2 रैबिट्स लेके लाया था, जो शौकिया तौर पर 2 रैबिट्स छोटा रूप में लाया था। वो क्या है, धीरे धीरे करके बड़ा हुए, बड़ा होने के बाद वो बच्चे दिए, बच्चे देने के बाद क्या है, अब रैबिट्स ऐसा एनिमल है जो 5 से 6 गुना जो हो जाए तेज़ी से मल्टीपल होता है। तो इसका ऐसा है कि वो धीरे धीरे बढ़ता गया और कुछ ही समय में बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमने क्या है, बहुत ज़्यादा हो गया इनकी संख्या जो है, तो हमने लोगों को फ्री वगैरह में दे दिए। कुछ समय बाद हमें पता चला कि इनका भी, इनकी जरिए भी हम पैसा को अर्न कर सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है कि स्टडी लाइफ में तो पैसे की आवश्यकता होती है। तो हम घर से पैसा ना लेके हम क्यों ना कुछ ऐसा काम करें कि अपना खुद से पढ़ाई का मैनेज कर सकें। तो इसके लिए हमने अपना शौक को कुछ स्टार्टअप के रूप में कन्वर्ट किया था जी। तो हमने फर्स्ट टाइम जो है 1 यूनिट मतलब 10 खरगोश लेके आया थे कुछ फॉर्म से जी। तो वहीं से हमारा स्टार्टअप हुआ था बिजनेस। तो उसका मार्केटिंग का आइडिया कैसे लगा सबसे? मार्केटिंग ऐसा है, सबसे पहले तो हम मार्केटिंग का कोई आइडिया नहीं था हमें, वो हम सबसे पहले तो हमारे पास जितने रैबिट्स हैं हमारे गाँव के मंडाई जो होता है मेला मंडाई, वहाँ हम डायरेक्टली शो किए थे एक चेयर पे रख के, और वहाँ से हमने फर्स्ट टाइम सेलिंग किया था। बहुत अच्छा, सारे जितना ले गया था सारे सारे सेल आउट हो गया था। तो वहीं से तो काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिला। बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशन मिला, उसी के हिसाब से हम जितना अर्निंग आया था तो हम और उसमें इंक्रीज करके हमने फिर स्टार्टअप किया था 1 यूनिट 10 खरगोश। तो उस टाइम किस हिसाब से बेचा होगा आपने ये? हमने 200 रुपये से एक पीस को बेचा था, मतलब 400 रुपये का जोड़ी हम सेल किए थे जी। उस समय कितने लेकर के गए थे पूरा? हमने 22 रैबिट्स लेके गए थे, हमने 4400 रुपये का फर्स्ट सेल आउट किया था जी। तो अभी हम इसमें पूरे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। यदि कोई जो है सामने देख रहे हैं हमारे यंग फार्मर्स होंगे या फिर युवा होंगे जो कि इसमें आना चाहते हैं, तो वो किस तरह से शुरुआत कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर इसमें बात करें तो ये कहाँ कहाँ अवेलेबल हो जाता है और किस तरह से अवेलेबल होता है उसके बारे में जानकारी? अच्छा, ये एज हम पेट के लिए तो ऐसा है कि आप पेट शॉप से आप इसको अवेलेबल करा सकते हो, और अगर नहीं है तो आप हमारे से नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हमारे फार्म आके विजिट कर सकते हो, नए नए आइडियाज़ ले सकते हो कि ये ब्रीडिंग होता कैसा है और हम आगे बिजनेस का स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं जी। और इसके कितने ब्रीड्स होते हैं, अलग अलग ब्रीड होते हैं? ब्रीड हमारे पास 8 से 10 आपको ब्रीड देखने को मिल जाएगा जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो साथियों इनका जो है कैच सिस्टम यहाँ पर किए हुए हैं, तो अभी हम इसमें अलग अलग ब्रीडों को देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि किस तरह से ये कौन सी ब्रीड है सर, इसके बारे में बताएंगे। ये देखो ऐसा है सर, ये कैलिफोर्निया का ब्रीड है, देख लीजिए ये कैलिफोर्निया का पहचान है। उनका कान जो होता है और ये उनके पूंछ जो होता है वो ब्लैक होता है, बाकी पूरी बॉडी जो होता है वाइट होता है। इसको उठाने का तरीका क्या होता है? देखो ऐसा है कि कान को अगर पकड़ते हैं तो ये छटपटाएगा, हाँ। ये हरकतें करेगा, इसीलिए उसका चमड़ी को पकड़ा जाता है ताकि नॉर्मल से वो हैंडल हो सके हाथ पर, हेड पे। और इसकी आंख जैसे रेड दिख रही है? हाँ, तो? ये न्यूजीलैंड वाइट है। इसकी आंख, इसको पहचानने का, इसकी आंख जो होता है वो रेड होती है, बाकी पूरे बॉडी जो होता है वो ब्लैक होता है। ये देख लीजिए फीमेल न्यूजीलैंड वाइट। ये देखो ये सोवियत चिंचिला जी, सोवियत मतलब ये क्या है, इसका ऑल बॉडी जो होता है ग्रे कलर का होता है। ये काफी सुंदर लग रहा है, सबसे सुंदर मुझे यही लगा। इसके बाद होती है ये ब्लैक वाली जो है, ये
ये जिसने भी दो कलर के मिक्स होंगे वो डच प्रजाति के कहलाते हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट का डच कहलाता है। ये देखो आपको ये भी डच आपको देखने को मिल जाएगा, ये दो कलर में डच है। ये डच, ये देखो ये नीचे ये ग्रे एंड व्हाइट का डच है। अच्छा, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है जी। रेड आइस जो है उसी के बस के होते हैं ये जो। हाँ, ये देखो आपको गोल्डन कलर का देखने को मिल जाएगा। ये गोल्डन का क्या नाम है इसका? ये गोल्डन जायंट। ये काफी यूनिक होता है, ये लगभग काफी रेट पे हम इसको सेल आउट करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। इसका आल बॉडी जो है होता है गोल्डन का होता है। ये देखो, देखो ये इनका बेबी सर, तो ये अभी चार बच्चा दी हुई है आप देख सकते हैं। ये देखो जो काफी छोटे छोटे हैं, और इसको इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है? नहीं, ये नॉर्मली ये तो फीमेल जो होता है वो दूध पिलाता है, ये आप नॉर्मली पकड़ सकते हैं आप हाथ से। देखो जी गिलहरी जैसे लग रहे हैं। हाँ जी, और इसके अलावा इसमें देखो इनका भी बेबी आया हुआ है। ये देखो इनका आप देख सकते हैं, ये इसमें छोटा छोटा बेबी आया हुआ है आप देख सकते हैं। इनका बेबी सर, तो ये कितने समय तक मिल्किंग करते हैं? ये देखो ये होता है, ये क्या है फीमेल के पास हम अपने हैंड से फीडिंग नहीं कराते, ये इनका बेबीज है, ये ट्रे रहता है, इसे में ये बेबीज देते हैं और इसे में इन लोग दूध पिलाते हैं सुबह शाम। जैसा भी हम आपको, हम ओनली सुबह और शाम चेकिंग करते हैं कि दूध पिया है कि नहीं, इसका पेट फूला हुआ रहता है तो ये दूध पी जाते हैं। और ये क्या है 8 दिन में इनका आँख खुल जाता है, फिर 15 दिन में इन लोग खाने के लिए सीख जाते हैं, और फिर हम 20 से 25 दिन में इनको सेल आउट कर देते हैं। इसके लिए एरिया कितना चाहिए? जैसे हम तो देख रहे हैं आप काफ़ी लो कॉस्ट में बनाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है सर एरिया की इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें दो तरीके से हम फार्मिंग कर सकते हैं, एक तो कॉलोनी सिस्टम मतलब आप जमीन स्तर पर कर सकते हैं, और एक तो होता है कैच सिस्टम जो जालियों पर कर सकते हैं। हमने कैच किया? हाँ जी, हमने कॉलोनी किया था। अच्छा। जो बहुत सारा हो गया तो क्या है साफ वगैरह करने में दिक्कत जाती है, तो हमने कैच सिस्टम अपनाया। तो इसमें हमने 10x10 रूम पे हमने लगभग 70 से 80 खरगोश को मैनेज किया हुआ है, क्योंकि हाँ जी, क्योंकि ऐसा है कि इसमें कैच सिस्टम में हमने 3 लेयर फार्मिंग किया हुआ है। तो ऐसा है कि हमने काफी कम जगह में हमने अच्छी इसमें मैनेजिंग किया हुआ है। और जैसे एक केज का आपने साइज क्या रखा हुआ है? हमारा साइज है 1.5x2 की है, ऊंचाई आपका लगभग 15 इंच की ऊंचाई है, और आपका 1.5x2 की एक खंड की जाली है। इसमें देखो ऐसा है कि जालियों में आपको फीडर बॉक्स, जैसे मान के चलो ये है, इसमें फीडर बॉक्स खाने के लिए, इसमें मग्गा जो है आपने बनाया, आइडिया कहाँ से लगा? ये हमारा वही जैसे जैसे माइंडसेट आता गया, हमने यूट्यूब वगैरह से कलेक्ट करके हम आइडिया ये सब शो करते हैं। जी, क्योंकि ये तो आपने कपड़ा लटकाने हाँ, जी, हाँ, वो सब क्या है जुगाड़ू से है क्या। इसमें ऐसा है कि सर हम ऐसा है कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट में हम ये चालू करना था हमें, तो जैसे जैसे हमने देखते गए आइडियाज मिलते गए यूट्यूब पे, तो हमने वो आइडियाज हमने इसमें अपना लगाते गए। जी, तो ये जो स्पेस होता है इनका प्ले के लिए इस हाँ बिल्कुल, ये इसमें 1.5x2 की जगह है, उसमें उन लोगों ने बच्चा देगा, उसमें वो खेलेगा, उसमें वो सोएगा, वो सब चीज़ उसमें करेगा, उससे हमें बाहर नहीं निकालना होता है ऐसा। अब आगे हम इसमें फीड के बारे में बात कर लेते हैं, फीड मैनेजमेंट की। फीडिंग ऐसा है सर, हम दो टाइप से के दो टाइम फीडिंग कराते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम होता है सुबह के समय हम ग्रीन देते हैं। ग्रीन ऐसा है कि आप ग्रीन में कुछ भी दे सकते हो, हरा चारा नेफियर वगैरह। हाँ जी, आप जैसे हम अभी हम देते हैं नेफियर घास हमारे पास लगा हुआ है बाड़ी पे, वो देते हैं, पत्ता गोभी हो गया, जो भी आप हम देते हैं जी। इसके अलावा हम कमर्शियल फीड जो इनके वेट और ग्रोथ बूस्टर के लिए होते हैं, वो हम क्योंकि फार्मिंग कर रहे हैं, अगर एक दो रखे हैं तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं होगा, आप दाल चावल रोटी कुछ भी दे सकते हो, लेकिन अगर फार्मिंग कर रहे हैं, हम फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम इनको कमर्शियल प्रॉपर फीड, क्योंकि इसमें हेल्थ इशू के लिए आगे प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए हम शाम के समय ओनली 60 से 70 ग्राम इसको हम देते हैं फीड। तो दो टाइम ही आप इसमें? हाँ, दो टाइम फीड करते हैं। और इसमें जैसे अभी बीमारियां वगैरह कुछ देखने मिलती होंगी या फिर इसमें कुछ ट्रीटमेंट वगैरह? बीमारियां ऐसा है सर, इसमें पोल्ट्री फार्म की जो है तुलना में इसमें बिल्कुल जीरो बीमारियां हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एक तो होता है दस्त की, लूज मोशन की प्रॉब्लम होती है जो ज़्यादा खाने वगैरह से या फिर मौसम की वजह से होता है, और एक तो होता है फंगल इन्फेक्शन होता है जो गंदगी की वजह से उनके कानों में, उनके आँखों में मतलब नाखूनों में होता है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। एक तो सर्दी वगैरह प्रॉब्लम होती है, वो नॉर्मल सी होती है, वो ठीक हो जाता है मौसम के अनुसार, और कुछ नहीं।
तो साथियों आपने जैसे कि भाई के फार्म को पूरा देखा कि किस तरह से इसमें जो है वर्क कर रहे हैं, और इसमें यदि कोई फुल टाइम में आना चाहते हैं तो ये क्या हमारे जो यंग फार्मर है और कोई अगर साइड में करना चाहते हैं तो किस तरह से बेनिफिट निकल कर आता है, प्रॉफिटेबल, उसके बारे में बताएंगे। जी सर बिल्कुल, ऐसा है कि इसको अगर कोई भी भाई अगर कोई भी फार्मर्स करना चाहता है तो जो भी स्टूडेंट भी हो अगर स्टडी के साथ साथ अगर पार्ट टाइम भी करना चाहे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा टाइम को देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा हम स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम कर रहे हैं। सुबह 1 घंटा का समय देता हूँ, शाम का 1 घंटा का समय देता हूँ, दिन का 2 घंटा ही समय दे रहा हूँ और मैं ये फॉर्म को अच्छी तरह से मेंटेन कर रहा हूँ। इसके लिए आप आराम से हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐसा है कि इसको ख़रीदने के लिए हमारे पास यूनिट सेटअप पर हमारा एज अ बिजनेस के लिए जाता है। इसमें 10 खरगोश का एक यूनिट कहलाता है, जिसमें 7 फीमेल और 3 मेल इसका रेशियो रहता है, और उसके हिसाब से हम फार्मर्स को सेटअप कराते हैं। जी तो इसमें कितना खर्च आ जाता है? ऐसा का हम एक यूनिट का सेटअप जो होता है वो 10,000 रुपये का यूनिट रखते हैं, जिसमें 10 खरगोश आते हैं, 10,000 से मिनिमम हम उनका स्टार्टअप कराते हैं। बाकी आप अगर कैच का करते हैं तो कैच के साथ इसमें अगर एक यूनिट का पूरा सेटअप लेते हैं, कैच 10 खंड की जाली रहती है, ये फीडर बॉक्स रहता है, मग्गा रहता है या कटोरी रहता है, इसमें 10 एक यूनिट का पूरा सेटअप हम 15,000 रुपये में मिनिमम क्वांटिटी वो करते हैं। जी आप अपने स्ट्रक्चर में जी, और ऐसा ब्रीड रहता है, ये ब्रीडर रहता है, वो नेक्स्ट मंथ में आपको बच्चे देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, नेक्स्ट मंथ में बच्चा बिल्कुल आ ही जाता है। जी तो उसमें इन्वेस्टमेंट 15,000 माने, और फीड का क्या खर्चा? फीड का ऐसा नहीं है सर, नॉर्मली अगर एक यूनिट से अगर बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हैं तो नॉर्मली दाल चावल रोटी हरा चारा ये सब चीज़ आप करके मैनेज कर सकते हो, लेकिन अगर कमर्शियल बिजनेस अपन करना चाहे तो फिर उसके लिए फीड आप मैनेजमेंट करना जरूरी है। जी जी फिर भी कितना अप्रोक्सीमेट आ जाएगा? ऐसा है सर, ये अपन लोग 1 kg मान के चलो, ऐसा है कि वो एक रैबिट जो होता है वो 60 ग्राम खाता है एक दिन का खाना, तो अगर 10 रैबिट्स है तो बिल्कुल आधा किलो का खपत है एक दिन में। जी तो उसके हिसाब से वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। हाँ जी, इसका केजी अगर आप फीड का मान के चलो तो 30 रुपये केजी आप मैनेजमेंट निकाल सकते हो, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करें तो 1.5 महीने में बच्चे। हाँ जी, ये ऐसा है कि एक रैबिट जो होता है वो क्रॉसिंग के ओनली 30 दिन में बच्चा देने के लिए बिल्कुल 30वां दिन में बच्चा दे ही देगा, उसके बाद वो बच्चा अगर दिया है वो 5 से लेकर मिनिमम 4-5 तो देता ही देता है, लेकिन हमारे पास ऐसे ऐसे ब्रीड है जिनका 10 से 12 तक बच्चा आता है, जो अच्छे अच्छे हाई लेवल के ब्रीड्स है उनका। तो फिर वो कितने दिन में तैयार हो जाता है? वो उनका तैयार होने का रहता है कि वो 8 दिन में उनका आँख खुल जाता है, 15 दिन में वो बेबीज जो है खाने के लिए सीख जाता है, इसके अलावा जो है वो हम उसको 20 से 25 दिन में उसको हम सेल आउट पे डाल देते हैं, बाकी फिर से हम उनका फीमेल्स को क्रॉसिंग पर डाल देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारे पास मंथली का लगभग 150 से 200 बच्चा निकलता है और सेल आउट हो जाता है। जी तो अगर एक यूनिट से बात करें तो मंथली का एक साइकिल कितना चल जाएगा? अच्छा, एक यूनिट पे ऐसा है कि देखो ऑन एवरेज जो है अपन निकालते हैं एक फीमेल पे तो 5 बेबीज अपन डिलीवर मान सकते हैं, तो 5 बेबी में एक यूनिट का 7 फीमेल रहता है तो 7×5=35 बच्चा हमारे पास एवरेज निकलता है। अगर एवरेज हम 5 माइनस कर भी करते हैं तो 30 बच्चा हमारे पास अवेलेबल। और जो एक बच्चे का रेट, जैसे आपने एक का रेट 200 रुपये मान के चलो मिनिमम, हम होलसेल प्राइस 200 रुपये देते हैं, 200 से हमारा 600 रुपये तक हमारा प्राइस आता है, लेकिन 200 रुपये हम एवरेज निकालते हैं, 200 रुपये का एक, तो आपका 6,000 का एक यूनिट का आपका सेटअप है, खाने का निकाल लो कुछ उसके हिसाब से जो बचा वो आपका। ऐसा तो इस तरह से इसमें जो है वो साइड में जो है करना चाहते हैं वो, या फिर अगर प्रॉपर करना पड़ता है तो उनको सेटअप अपना बढ़ाना पड़ता है। हाँ जी, इसके हिसाब से हमने तो एक यूनिट से ही किया था, धीरे धीरे करके हम इनमें इन्वेस्ट करते गए, तो अभी हमारे पास लगभग 100 से भी ज्यादा हमारे पास खरगोश है। जी। और इसमें जैसे कि आप बता रहे थे इसमें आगे आपका प्लान है, तो उसके बारे में भी सामने किसान भाइयों को अपडेट दीजिए ताकि उसमें आने वाले वीडियो में हम कवर। जी ऐसा है सर, हमारा फार्म अभी तो फिलहाल के लिए रैबिट्स का हम फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम इस तक हम सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा ऑल पेट्स पे काम करना है, क्योंकि हम एज अ पेट लवर्स हैं, तो इसके अलावा हम कुछ दिनों में बर्ड्स का, डॉग का, कैट का, और एक्जॉटिक बर्ड्स जो रहता है, बजिस है, लव बर्ड्स है, कॉकटेल है, ये सब चीज़ पे हम काम करने वाले हैं। सेटअप रेडी हो गया, बस कुछ ही दिनों में हमारे पास वो फॉर्म पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। जी तो आपका ही उसमें एक अनुभव हो जाएगा, उस पर उसके बाद हम आपसे फिर आएंगे और उसके बाद फिर कवर करेंगे, ताकि जो हमारे फार्मर्स उनको भी एक नए नए चीज़ों के बारे में। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी और कुछ कहना चाहेंगे इस तरह से रैबिट फार्मिंग के बारे में हमारे सामने फार्मर्स को? सर ऐसा है कि अगर कोई भी बंदा अगर करना चाह रहा है तो अगर करने के लिए मन बना लिया लेकिन वो करना नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा है कि सर कोई भी सबसे पहले वो स्टार्टअप करना जरूरी होता है, आप स्टार्टअप करिए फिर वो देखिए कि आगे क्या होता है।